वैसे तो कहने को बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए जिम्मेदार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हीं जिम्मेदारों के चहेते उनकी मंसूबे पर खुलेआम पलीता लगा रहे हैं। या तो ये कहें कि जिम्मेदार मामले से अनजान हैं, या फिर उनकी जानकारी में ही भ्रष्टाचार का खुलेआम खेल खेला जा रहा है। मामला ऊंचा हार का है। दरअसल जिला पंचायत अध्यक्ष रायबरेली द्वारा टेंडर प्रक्रिया के तहत प्रधान इलेक्ट्रॉनिक से NTPC सलोन मार्ग के नाले तक के लिए नाले का निर्माण किया जा रहा है, जिसमें खुलेआम मानकों को ताक पर रखकर घटिया सामग्री लगाई जा रही। चूंकि जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर विराजमान रंजना चौधरी जी का यहाँ निज निवास भी है और प्रतिदिन इस मार्ग से इनका आना जाना भी है, लेकिन उक्त निर्माण कार्य पर इनकी निगाहें जरा सी भी टेढ़ी नहीं हो सकी। अब गौर करने वाली बात यह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के निज निवास के नेट का निर्माण हो और मैडम भी सत्ताधारी मंत्री की खास हो तो भला ऐसी स्थिति में घटिया निर्माण कार्य का खुलेआम विरोध कौन कर सकता है। लेकिन दबी आवाज में स्थानीय लोग भ्रष्टाचार की कहानी जरूर बयां कर रहे हैं। जब मामले में विभागीय जेई अविनाश सिंह से प्रकरण में बात की गई तो उन्होंने कहा कि कार्यदायी ठेकेदार को घटिया सामग्री मौके से हटवाने के निर्देश दिए गए हैं, यदि इसके बाद भी घटिया सामग्री प्रयोग में लाई जा रही है तो निश्चित ही विभागीय कार्यवाही की जाएगी। ऊंचा हार रायबरेली से सारा समय लाइव TV के ब्यूरो रिपोर्ट।